हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन देखा था, उसमें कुछ हमने रूल भी देखा था। तो मैंने ये बताया था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन देखा था और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखा था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मैंने बताया था कि ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू एक्स होता है। ई रेस टू एक्स प्लस बी का क्या होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, ई रेस टू समथिंग का हम पहले ई रेस टू समथिंग लिख देंगे और फिर जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसके कोएफिशिएंट से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इंटीग्रेशन में हमेशा याद रखना है कि यदि हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्स के कोएफिशिएंट से क्या करना है, अपने को क्या करना है, ऑलवेज क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो उसके बाद मैंने बताया था कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अगेन साइन का पहले हम क्या इंटीग्रेशन यूज करेंगे, माइनस कॉस, जितना एंगल होगा उतना लिख देंगे और फिर एक्स के कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ऑफ सॉरी माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। आपको मैंने बताया था कि सी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं होता है, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसमें आपको इंटीग्रेशन एक्स के किस वैल्यू के लिए करना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक करना है वो नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ऐड करते हैं। और कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं वो थोड़े टाइम के बाद मैं आपको नेक्स्ट कभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं, है ना। या आप खुद से भी ट्राई करना कि हम कांस्टेंट ऐड क्यों करते हैं, है ना। तो साइन एक्स का हमने देखा, फिर कॉस एक्स का देखा था, है ना, फिर साइन स्क्वायर एक्स का मैंने इंटीग्रेशन बताया था और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताया था, फिर कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन मैंने होमवर्क दिया था, मैंने बोला था कि इसको आप खुद से ट्राई कर लेना। और फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी का जो इंटीग्रेशन मैंने होमवर्क दिया था, और इससे पहले मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स होगा कॉस स्क्वायर एक्स होगा, तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि साइन का पावर वन होगा तभी हम कॉस वाला रिजल्ट लिखते हैं। साइन का पावर क्या होना चाहिए, लीनियर, साइन जो होना चाहिए उसका पावर ऑलवेज वन होना चाहिए। एंगल कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन साइन का जो पावर होना चाहिए ऑलवेज क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, तभी हम साइन का इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे, माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे। अदरवाइज आप यहाँ यदि कोशिश करेंगे पावर फार्मूला की, नहीं, साइन का पावर क्या होगा, 3/2 टू प्लस वन डिवाइडेड बाई 2+1, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रहा, यदि यही क्या होता, 2 के जगह 1 होता, तो हम आसानी से क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर। अब अपने को क्या करना है कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन मैंने बताया था, बेसिक ट्रिगो जब पढ़ाया था आप लोगों को तो उसमें बताया था, उसको यूज करके हम क्या करेंगे, यदि लीनियर पावर नहीं हो साइन का तो हम लीनियर पावर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करके और इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं, एक और होमवर्क दिया था कि dx अपॉन क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस वन। इसको हमने क्या किया, देखो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो हमने क्या किया, इसको मैंने बताया भी था कि आप इस तरह सोचना कि a dx प्लस b dx का इंटीग्रेशन, a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो देखो ध्यान से, हमने क्या किया, dx अपॉन x इंटू वन प्लस एक्स इक्वल टू, हमने क्या लिखा, वन अपॉन एक्स माइनस क्या होगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, आपको ये मिल जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या किया, dx से मल्टी, तो देखो dx अपॉन x, मैंने बताया था कि वन अपॉन x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ln x होगा। ये भी बताया था कि इसका भी x प्लस वन का, वन अपॉन x प्लस वन का भी इंटीग्रेशन क्या होगा, याद करो मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन x प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, ln ax प्लस b डिवाइडेड बाई क्या होता है, ये होता है। तो मैंने उसी, अब log ऑफ a माइनस क्या है, log ऑफ b है, तो हमने क्या किया, log ऑफ a अपॉन क्या लिखते हैं, b लिखते हैं। ये log का प्रॉपर्टी होता है, आपको माइंड में होना चाहिए, देखो कि log
आई मीन लॉग एम माइनस क्या होगा लॉग एन होगा, तो इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ एम अपॉन क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। आप लॉग में पढ़ोगे, लॉग तो आप लोग का शुरू हुआ है तो शायद सर बताए भी होंगे या आपको बताएंगे, तो हमने ये रिजल्ट यूज किया है। उसके बाद इसको यहाँ एल एन सी भी लिख सकते हो, सी को आप कुछ भी अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस लिख सकते हो। दे क्या हुआ एल एन एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी के फाइनल रिजल्ट। अब मैंने ये बताया था कि जब भी इसका रिजल्ट यूज करना आई मीन इसको सॉल्व करना, देखो तो क्या बताया था कि साइन, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू, आई मीन मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है वन माइनस कॉस टू एक्स बाई क्या होता है टू, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा वन प्लस कॉस टू एक्स बाई क्या होगा टू। इसी रिजल्ट का क्या करना है आपको यूज करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैंने उस समय ही बताया था कि फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है साइन स्क्वायर एक्स को, यदि लीनियर पावर में लिखना है तो क्या लिखेंगे वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू लिखेंगे। और मैंने इसके पहले क्लास में मैंने ये बताया था कि ये आता भी कैसे, और फिर बेसिक ट्रिगो जब मैं पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने ये रिजल्ट प्रूव कराया था आपको, ठीक है। अब इसी रिजल्ट को इसको यूज करेंगे, देखो यहाँ क्या है, यहाँ क्या दिया हुआ, अभी सेकेंड नंबर का मुझे क्या है इंटीग्रेशन क्या दिया, इंटीग्रेशन को हम जनरली आई कंसीडर कर लेते हैं, आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन है ना। तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब देखो यहाँ क्या है साइन स्क्वायर एक्स के जगह क्या लिखेंगे वन माइनस कॉस टू एक्स बाई क्या लिखेंगे टू, तो हम ये लिख सकते हैं वन माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। देखना क्या है जितना एंगल दिया हुआ उसमें हम क्या किए हैं 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। क्या हमने किया है कि जितना एंगल है उसमें 2 से मल्टीप्लाई है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 होगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं इसको और भी तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखो 1/2 क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी को इंटीग्रेशन साइन से क्या लिखते हैं बाहर लिखते हैं, तो 1/2 ठीक है, और सॉरी यहाँ डी एक्स। अब हम क्या करेंगे 1/2 डी एक्स ठीक है माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस ऑफ इसको क्या लिखेंगे 2x प्लस 2b डी एक्स। अब यहाँ कुछ नहीं है तो मैंने ये बताया था कि x रेस टू 0 लिख सकते हैं, अरे 1 तो लिख सकते हैं 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। हमेशा याद रखना है कि 1 का इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वही वैल्यू होगा, आई मीन 1 का इंटीग्रेशन कोई पूछे कि x के रिस्पेक्ट में क्या होगा तो x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कोई पूछे तो क्या हो जाएगा t हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कोई पूछे तो क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 1/2। अब अगेन मैंने बताया था 1/2 यहाँ क्या लिखेंगे x रेस टू 0 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया है कॉस का क्या बताया है साइन, तो क्या लिखेंगे यहाँ साइन ऑफ क्या लिखेंगे 2x प्लस बी, और x के कोएफिशिएंट से क्या करना है मुझे डिवाइड करना है, तो क्या करना है डिवाइड कर देना है, तो हम क्या लिखेंगे 2 और प्लस हम क्या करेंगे सी, आप सी कहीं भी यहाँ ऐड करो लास्ट में भी ऐड करोगे तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आई इक्वल टू क्या होगा 1/2 एक्स माइनस 1/4 ए है ना साइन क्या होगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 2b और प्लस क्या हो जाएगा सी, तो ये क्या हुआ इसका आंसर। उसी तरह सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है थर्ड नंबर यही है, तो आई इक्वल टू हमने मान लिया क्या आई मीन आई इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब अगेन कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई कितना होगा 2 आई मीन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ हम क्या करेंगे अगेन लिखेंगे 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस 2x
डी एक्स, सॉरी टू टू ए एक्स प्लस क्या लिखेंगे बी और फिर लिखेंगे डी एक्स, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, वन बाई टू डी एक्स प्लस वन बाई टू इंटीग्रेशन कॉस ऑफ टू एक्स प्लस टू बी डी एक्स। अब मुझे क्या करना है, ये कितना हो जाएगा वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू, अगेन कॉस का क्या होगा साइन होगा, तो हम क्या लिखेंगे साइन ऑफ टू एक्स प्लस टू बी प्लस सी, और टू के कोएफिशिएंट से आई मीन एक्स के कोएफिशिएंट से क्या करना है मुझे, यहाँ हमने मिस्टेक कर दिया है ना, टू ए होगा, सॉरी टू ए होगा, यहाँ सही लिखा था, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे टू, सॉरी टू ए एक्स, और ये क्या हो जाएगा टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा टू ए। अब इसको सिम्प्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा, देखो x बाई टू प्लस वन बाई फोर ए साइन ऑफ टू ए एक्स प्लस टू बी, क्या होगा साइन ऑफ टू ए एक्स प्लस क्या हुआ बी हो टू बी हो गया, ठीक है। तो आप आसानी से क्या, अब ये देखो ये ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट याद रखना है, नहीं रिजल्ट याद नहीं रखना है, रिजल्ट केवल साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा इसको याद रखना है, और आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल यदि रिलेशन मालूम है तो आप क्या करोगे उसको यूज करके साइन का जो भी पावर दिया हुआ है उसको आप क्या करोगे लीनियर पावर में क्या करोगे कन्वर्ट करोगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम क्या देखेंगे, अब आपसे कोई पूछे कि साइन रेज टू थ्री क्या है, साइन क्या है, इंटीग्रेशन किसका कैलकुलेट करना है, देखो ये भी अगला एक एग्जांपल है, क्या है साइन एग्जांपल कंसीडर कर लो है ना, साइन क्यूब एक्स डी एक्स है ना, इसको आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है इसका। अब देखो यहाँ साइन का पावर क्या है थ्री है, अब आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज नहीं कर सकते हैं, अब इसके बाद क्या चाहिए आपको ट्रिगो का क्या होना चाहिए, आपको रिजल्ट मालूम होना चाहिए, यदि ट्रिगो का रिजल्ट आई मीन ट्रिग्नोमेट्री में जो रिजल्ट हम पढ़े हैं क्या है, यदि वो आपको मालूम है तो आप आसानी से क्या, अब साइन का पावर थ्री है तो हम इसको लीनियर पावर में कन्वर्ट करेंगे, क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे लीनियर पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि साइन थ्री थीटा इक्वल टू क्या होता है थ्री साइन थीटा माइनस क्या होगा फोर साइन क्यूब थीटा, इसको आप खुद से क्या कर सकते हो प्रूफ कर सकते हो, ये बताया था कि साइन ऑफ ए प्लस बी लिखो है ना, ए के जगह यहां क्या करना साइन, आप बताया भी होगा शायद ए प्लस बी यूज करो, क्या होगा साइन ए कॉस बी प्लस क्या होगा कॉस ए साइन क्या होगा बी है ना, और यहाँ ए इक्वल टू थीटा रख दो और बी इक्वल टू क्या करो टू थीटा रख दो, सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या करना है आपको यूज करना, इसलिए हम ट्रिगो पढ़ते हैं। अब क्या है, अब मुझे मालूम है तो अब देखो यदि ये आपको रिजल्ट मालूम है तो आसानी से क्या हुआ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो लिख सकते हैं साइन थ्री एक्स इक्वल टू क्या होगा थ्री साइन एक्स माइनस क्या होगा फोर साइन क्यूब एक्स, यही होगा, यहां से लिख सकते हैं देखो साइन क्यूब एक्स इक्वल टू क्या होगा थ्री साइन ऑफ एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई क्या होगा 4, बस हो गया। अब इसके बाद तो आपको आता ही है सब, ये मालूम है जैसे साइन क्यूब x इक्वल टू क्या होगा 3 साइन x माइनस साइन x साइन 3x बाई कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4 होगा। अब क्या करोगे आप आसानी से, अब तो स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करना है, उसके बाद क्या याद रखना है कि साइन का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा कॉस होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस होगा। तो आइए अब देखते हैं ये रहा आपको क्या है बेसिक रिजल्ट जो आपको इसके लिए यूज होना है। अब मुझे किसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, आई इक्वल टू
साइन क्यूब एक्स डी एक्स, क्या है साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अब साइन क्यूब एक्स का वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखेंगे साइन, नहीं कितना है 3 sin x माइनस साइन 3x dx, तो ये कितना होगा 1/4 है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x dx माइनस कितना 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। अब आप देखो ये 3 कांस्टेंट है, क्या है 3 कांस्टेंट है, तो 3 को हम इंटीग्रेशन साइन से क्या करेंगे बाहर लिख देंगे, तो 3/4 ठीक है, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3x dx। यहाँ 3 को बाहर मत लाना है ना, ठीक है, एंगल से हम बाहर नहीं ले सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में हो तो हम बाहर ले सकते हैं। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन मैंने बताया क्या है, माइनस कॉस एक्स, तो क्या लिखेंगे माइनस 3/4 कॉस एक्स, अगेन क्या लिखेंगे माइनस, देखो यहाँ क्या लिखोगे माइनस 1/4 उसके बाद क्या लिखेंगे माइनस कॉस 3x अपॉन क्या लिखेंगे 3, यहाँ x के कोएफिशिएंट से मुझे हमेशा क्या करना है डिवाइड करना है, प्लस हम क्या लिख देंगे यहाँ से। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3 cos x प्लस cos 3x है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा 3, और उसके बाद क्या होगा, क्या होगा I इक्वल टू क्या होगा 1/4 प्लस क्या होगा C, ठीक है, तो यही क्या हुआ ये इंटीग्रेशन हो गया, ये क्या हुआ इंटीग्रेशन हो गया। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ माइंड में रखना है कि जब भी क्या होगा 3 को का, अब एक होमवर्क देता हूँ कि cos क्यूब एक्स मैं 4 फॉर्मूला नहीं बताऊँगा है ना, cos 3 थीटा का क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 माइनस थ्री माइनस कॉ माइनस 3 कॉस थीटा होता है, वो मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद से रिजल्ट लिखना, बता भी दिया क्या है, ठीक है आप इसको खुद से ट्राई करना। तो अगला जो है क्या है, होमवर्क देता हूँ आप लोग खुद से ट्राई करना, क्या है LCW, क्या है आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, क्या है कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ये होमवर्क है, ठीक है, इसको आप सॉल्व करना, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्या करूंगा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारे इंटीग्रेशन है ना, उनको भी तो अपने को फाइंड आउट करना है ना। अब देखो क्या होगा sec स्क्वायर एक्स का, देखो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये रिजल्ट है आपको याद रखना है ना, आई मीन क्या होगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा tan x प्लस क्या हो जाएगा sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x होगा, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा tan थीटा होगा, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा tan t होगा, एंगल कुछ भी हो sec स्क्वायर का, क्या sec का नहीं sec स्क्वायर का, sec का ऐसा नहीं होता है ना, sec का हम देखेंगे क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है ना, क्या याद रखना है, देखो cosec स्क्वायर x dx, cosec स्क्वायर x dx का क्या होगा cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा क्या होगा माइनस, क्या होगा माइनस cot x प्लस क्या हो जाएगा c, क्यों, क्योंकि cot का cot थीट cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर क्या होगा x होगा, ठीक है, तो ये आपको क्या करना है याद रखना। अब हम आते हैं क्या है अगला रिजल्ट है ना, क्या दिया हुआ है
कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ठीक है, क्या होगा tan x dx। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, log आई मीन ln क्या होगा sec x प्लस क्या होगा sec, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं इसको कि हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं। उसी तरह ये दोनों रिजल्ट मैं बताऊंगा आपको। अगला जो है क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा cot x dx, ठीक है, क्या है cot x dx, क्या है cot x dx। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ln क्या लिख सकते हैं sin x प्लस क्या लिख सकते हैं c। ln का मतलब क्या हुआ, बेस क्या है यहाँ e है, ln का मतलब क्या हुआ बेस क्या है e है। यदि बेस 10 दिया हुआ है तो ये रिजल्ट हम यूज नहीं कर सकते हैं, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, बेस चेंज फार्मूला जो आप लॉग में पढ़ोगे उसको यूज करके क्या करना पड़ेगा, मुझे ए बेस ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर तभी हम क्या कर सकते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर। ये क्या है, अब ये दोनों को हम प्रूव कर सकते हैं आसानी से, देखिए कैसे प्रूव करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आई मीन इसको क्या करना है आपको याद कर जाना है। अब क्या है, मुझे किसका इंटीग्रेशन निकालना है, देखो इसका इंटीग्रेशन किसका कैलकुलेट करना है, tan tan x dx, इसको शायद हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या है sin x अपॉन क्या होगा cos x dx, शायद लिख सकते हैं ऐसे। अब हम यदि मान लें i इक्वल टू, मैंने लिख दिया यहाँ लेट, क्या मान लें cos x इक्वल टू क्या होगा t, तो d ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू dt इक्वल टू d ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा t। अब देखो d ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 होता है, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin x। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि आर्गुमेंट को जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे d ऑफ x dt इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं माइनस sin x dx इक्वल टू क्या हुआ dt, तो sin x dx इक्वल टू क्या हो गया माइनस dt। अब यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। अब ये इक्वेशन क्या हुआ फर्स्ट, आई मीन इसको इक्वेशन हम क्या अब नाउ हम लिखेंगे, नाउ क्या होगा आई इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा देखो तो माइनस डी टी अपॉन यही होगा ना, और कॉस एक्स को क्या माने हैं टी माने हैं। अब ये तो वही हुआ कि वन अपॉन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस एल एन टी प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब टी का वैल्यू रख दो तो क्या लिखोगे आई इज इक्वल टू क्या होगा माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी, और इसको सिंप्लीफाई करो तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एल एन sec x प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है ln, क्या होता है sec x होता है, क्या होता है ln sec x। इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होगा, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होगा log टू द बेस आई मीन क्या होगा ln sec x, क्या होगा ln sec x। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, और भी रिजल्ट हम क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं। देखो जैसे दिया हुआ है cot x, क्या दिया हुआ है cot x, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखने रहते हैं, है ना, क्या दिया हुआ है अगला जो है क्या दिया हुआ है I इक्वल टू क्या दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, तो cot x को अगेन क्या लिख सकते हैं cos x अपॉन क्या लिखेंगे sin x dx। इसको हमने क्या किया इक्वेशन वन मान लिया, लेट क्या लिखेंगे लेट sin x इक्वल टू टी, अब क्या लिखेंगे d ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू d ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू क्या हो जाएगा वन। sin x का क्या होगा cos x, अगेन x को t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते, क्या होगा dx एक्स अपॉन क्या होगा dt टी इक्वल टू वन, तो cos x dx इक्वल टू क्या हुआ dt। अब देखो cos x dx के जगह हम क्या रख देंगे dt रख देंगे, तो अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका dt अपॉन क्या हो जाएगा t। अब dt अपॉन t का
टी का वैल्यू रखो तो ये डी टी अपॉन टी आई मीन वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन टी होगा, क्या होगा, एल एन टी होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एल एन टी प्लस क्या होगा सी, और टी हमने क्या माना है साइन एक्स, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एल एन साइन क्या होगा साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा कॉट एक्स क्या होता है, एल एन साइन एक्स होता है, क्या होता है, एल एन साइन ऑफ एक्स होता है। ये आपको क्या करना है माइंड में रखना है। इसके बाद और भी क्या है, कुछ रिजल्ट है जो हम देखेंगे। अब आपसे कभी पूछा जाए, देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फिजिक्स में ट्रिगो आता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है, इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ आपको, एक एक एग्जांपल जितने भी टाइप्स हैं सभी मैं बता रहा हूँ कि जो भी फिजिक्स में यूज होने वाला है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप प्रैक्टिस करो, इसको अच्छे से करो, जो समझ में नहीं आया उसको पूछो, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ट्रिगो और ग्राफ ये फोर चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स को समझने के लिए, है ना। यदि आपको ये आता है अच्छे से तो फिजिक्स आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए हम बेसिक्स मैथ्स पढ़ रहे हैं, इसका नाम ही क्या है, बेसिक्स मैथ्स फॉर फिजिक्स। आप जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें सब चीज़ बताया जाएगा, है ना, लेकिन ये बेसिक्स आई मीन फिजिक्स को समझने के लिए जो मैथ्स का ज़रूरी है वही हम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसको आपको क्या करना है, कई बार मैंने बताया भी है कि आप क्या करो, एक नोटबुक केवल बेसिक्स मैथ्स का बनाओ और उसमें क्या करो इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखो और उसको रिवीजन करते रहो, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स क्या होंगे, याद रहेंगे। तो जब भी कभी भी आपके सामने इस टाइप का यदि इंटीग्रेशन आएगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसका आंसर बता सकते हो, और जैसे ही आप आंसर बताओगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा बहुत ही अच्छा होगा, है ना। इसके बाद क्या पढ़ना है अपने को, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना, क्या होगा सेक एक्स का इंटीग्रेशन, आपसे कोई पूछे तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, है ना, क्या है सेक एक्स का इंटीग्रेशन। तो देखो इसको हम कई तरह से सॉल्व करते हैं, देखो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, इसको ऐसे शायद हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्या sec x को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटू क्या लिख सकते हैं cos, है ना, क्या लिख सकते हैं cos x, कोई डाउट नहीं है उसमें, cos x हम लिख सकते हैं, और उसके बाद cos x को कुछ और कंसीडर कर सकते हैं क्या, cos x को और तरह से हम कुछ सोच सकते हैं क्या, ऐसे दूसरा भी मेथड है, ऐसा नहीं है, हम सोच रहे हैं कि cos x को भी हम किसी, यदि हम लिख दें sin, क्या लिख दें उसको साइन ऑफ, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना, यदि cos x को हम क्या करें दूसरी तरह से सोचें तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं क्या कि cos x को यदि हम लिख दें कितना साइन ऑफ, नहीं वन प्लस cos x होता तो हम सोच सकते थे, है ना, लेकिन वन प्लस नहीं है। तो देखो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है इसका, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो शायद हम इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, और tan में कन्वर्ट करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्या है, ये आसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि आसान है, इसको कई तरह से एक स्टेप से ऐसे भी सोच सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कि dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर अब क्या होगा x बाई 2, ठीक है, ये क्या होगा cos थीटा का tan में क्या होता है रिजल्ट होता है, आपको शायद मैं बता दूं ये रिजल्ट कहाँ से आता है, देखो cos है ना x आई मीन cos 2x इक्वल टू क्या होगा cos स्क्वायर x माइनस क्या होगा sin स्क्वायर x अपॉन 1, 1 के जगह क्या लिखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और फिर tan में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा।
अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ x बाय टू है ना डी एक्स अपॉन क्या लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाय क्या लिखेंगे 2। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये कितना होगा सेक स्क्वायर x बाय टू डी एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाय टू। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहां क्या लिखेंगे कि लेट क्या लिखेंगे लेट, यदि tan x को हम t मान लें, क्या मान लें tan x को t मान लें, देखो क्या है हमेशा याद रखना है, यदि क्या होगा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, यदि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा ln ऑफ डिनोमिनेटर, बाद में मैं बताता हूं तुमको, है ना, देखो मैं बता रहा हूं कि क्या होगा, जैसे इसको पहले मैं बताऊंगा, आई मीन इसको एक्सप्लेन करूंगा और फिर आपको रिजल्ट बताऊंगा कि इसको ऐसे आप याद रखो, ठीक है। जैसे देखो, तो हमने मान लिया कि लेट क्या, लेट tan tan x बाई टू इक्वल टू हमने क्या मान लिया t मान लिया, अब दोनों तरफ क्या करो tan x बाई टू डी एक्स डी टी इक्वल टू क्या है, दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, तो पहले क्या लिखेंगे sec स्क्वायर ऑफ x बाई टू और x के कोएफिशिएंट से हमेशा क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या लिखेंगे 1 बाई टू और डी एक्स अपॉन डी टी इंटू इक्वल टू क्या लिखेंगे 1। तो देखना sec स्क्वायर x बाई टू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ वैल्यू रख देना है, नाउ नाउ हम क्या लिखेंगे I इज इक्वल टू क्या होगा sec स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई टू डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, तो डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो तो क्योंकि tan x बाई टू को हमने क्या माना है tan x बाई टू इक्वल टू क्या कंसीडर किया हमने t कंसीडर किया है, अब हम लिख सकते हैं इसको, देखो डी टी अपॉन क्या करना है 1 माइनस टी इंटू क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 प्लस टी, 1 माइनस टी इंटू क्या लिखेंगे 1 प्लस हम क्या लिखेंगे t लिखेंगे। उसके बाद और भी हम एक स्टेप आगे जा सकते हैं, अब आपको ध्यान देना है, देखो शायद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब इसको ये दोनों टर्म को हम सम में लिखना लिखने के लिए ट्राई करेंगे, सम में आई मीन ये क्या आ जाए a डी एक्स प्लस बी डी एक्स के फॉर्म में आ जाए, आई मीन a प्लस बी इंटू डी टी या डी एक्स जो भी है डी टी के फॉर्म में आ जाए, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन 1 प्लस टी 1 प्लस टी माइनस 1 माइनस क्या होगा टी सॉरी प्लस 1 माइनस टी डी टी। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मालूम चल जाएगा, तो क्या होगा इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, ऐसे भी इसका जो इंटीग्रेशन आएगा क्या आएगा लॉग ऑफ क्या होगा sec क्या होगा log ऑफ sec x बाई टू प्लस क्या होगा tan x बाई टू ऐसे आएगा। देखो अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ आसानी से लिख सकते हैं I इज इक्वल टू क्या होगा, या एक ऐसे भी आता है कि log tan ऑफ pi बाई फोर प्लस x बाई टू आएगा, देखो तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू क्या लिखेंगे I इक्वल टू क्या लिखेंगे डी टी अपॉन क्या लिखेंगे 1 प्लस टी प्लस डी टी अपॉन क्या लिखेंगे 1 माइनस टी। अब तो इसको ये कितना होगा ए 1 अपॉन 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा ln 1 प्लस टी, तो क्या लिखेंगे ln 1 प्लस टी, उसके बाद इसका क्या लिखेंगे, देखो पहले यहाँ t के कोएफिशिएंट से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो t का कोएफिशिएंट क्या है माइनस वन है, तो अगेन क्या लिखेंगे ln 1 माइनस क्या हो जाएगा t प्लस क्या हो जाएगा c। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा ln क्या हो जाएगा 1 प्लस टी अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस टी है।
tan a plus c. अब t हमने किसको माना है? tan x by 2 को. तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? वैल्यू रख देंगे. तो i इक्वल टू क्या होगा? ln, है ना, 1 प्लस tan x by 2 अपॉन क्या होगा? 1 माइनस tan x by 2 प्लस क्या हो जाएगा c. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln, है ना. देखो इसको क्या लिखेंगे? tan ऑफ 45 डिग्री, आई मीन पाई बाई 4 प्लस tan ऑफ x बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा? 1 माइनस tan ऑफ पाई बाई 4 इंटू tan ऑफ क्या हो जाएगा? x बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा? देखो tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है. क्या होता है? 1 होता है. अब देखो तो tan ऑफ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b आया क्या? तो हम लिख सकते हैं यहाँ डायरेक्ट ln, क्या लिखेंगे? ln tan ऑफ, है ना, पाई बाई 4 प्लस क्या हो जाएगा? x बाई 2 इसका रिजल्ट आता है. ln tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस क्या आता है? x बाई 2 ये इंटीग्रेशन. तो सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? ln tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई क्या होगा? 2 होगा. तो आप इसको क्या करेंगे? याद कर जाएंगे. ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ. इसको क्या करना है आपको? इंपॉर्टेंट रिजल्ट के लिए, क्योंकि हर टाइम हम इतने मेथड यूज नहीं करेंगे. जस्ट मैंने बताया कि ये कैसे आता है. इसका दूसरा भी एक अल्टरनेटिव पर मेथड है, आई मीन अल्टरनेटिव रिजल्ट है. क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा? ln, है ना, tan ऑफ क्या होगा? पाई बाई 4 प्लस x बाई कितना होगा? 2 tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस. आप इसको ये भी लिख सकते थे साइन ऑफ. देखो दूसरे तरह से कैसे लिखोगे इसको, यहाँ से हम देखें, यहाँ से, है ना. तो क्या लिख सकते हैं? दूसरा रिजल्ट हम लिख सकते हैं कि I is equal to यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, है ना. तो हम क्या लिखेंगे? I is equal to लिख सकते हैं ln. इसको क्या लिख सकते हैं? साइन x अपॉन क्या लिखेंगे? cos x, आई मीन साइन थीटा अपॉन cos थीटा. तो क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो cos ऑफ x बाई 2 प्लस क्या होगा? साइन ऑफ x बाई 2 अपॉन क्या होगा? cos ऑफ x बाई 2, है ना, प्लस साइन ऑफ क्या होगा, सॉरी, माइनस साइन ऑफ x बाई क्या होगा? 2. अब आपको क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ln क्या लिख सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, आई मीन इसका कंजुगेट, आई मीन रेशनलाइज करो. तो ये क्या हो जाएगा? cos ऑफ x बाई 2 cos ऑफ x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस cos ऑफ x बाई 2 माइनस क्या होगा? साइन ऑफ x बाई 2 इंटू cos ऑफ x बाई 2 प्लस क्या होगा? साइन ऑफ x बाई 2. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा. दोनों रिजल्ट मैं लिख देता हूँ. तो ये क्या होगा? आई इज इक्वल टू क्या होगा? देखो ln, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, देखो इसको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होगा? 1 होगा. तो लिख देता हूँ इधर 1 प्लस कितना होगा? 1 प्लस 2 साइन x बाई 2 इंटू क्या होगा? cos x बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा? cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस क्या होगा? साइन स्क्वायर x बाई 2. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln 1 प्लस, इसको साइन x लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन x अपॉन क्या हो जाएगा? cos x प्लस क्या हो जाएगा? c. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ln क्या होगा? sec x प्लस क्या होगा? tan x.
तो यहाँ आपको दो रिजल्ट इसका पूछा जाए, कभी कभी यूज कर सकते हैं हम दो रिजल्ट। तो यहाँ अगला जो रिजल्ट है क्या है, देखो दो रिजल्ट लिखो, सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक तो एल एन टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस क्या हो जाएगा एक्स बाई टू, और एक जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा एल एन, है ना, वन एल एन सेक एक्स प्लस क्या होगा टेन एक्स। ये रिजल्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट है, आप केवल ये याद रखना, रिजल्ट याद रखना, क्या है रिजल्ट याद रखना। सिमिलरली आपसे कोई पूछे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसको आप ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूँगा, ये होमवर्क कंसीडर कर लो, है ना, होमवर्क क्या होगा कोसेक एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो इसको सॉल्व करना, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन देखा था, उसमें कुछ हमने रूल भी देखा था, तो मैंने ये बताया था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन देखा था और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मैंने बताया था कि ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू एक्स होता है, ई रेज टू एक्स प्लस बी का क्या होगा, तो पहले हम क्या करेंगे ई रेज टू समथिंग काम, पहले ई रेज टू समथिंग लिख देंगे और फिर जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसके कोएफिशिएंट से हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। इंटीग्रेशन में हमेशा याद रखना है कि यदि हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्स के कोएफिशिएंट से क्या करना है अपने को क्या करना है ऑलवेज क्या करना है डिवाइड करना है, क्या करना है डिवाइड करना है। तो उसके बाद मैंने बताया था कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, क्या होता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स होगा, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अगेन साइन का पहले हम क्या इंटीग्रेशन यूज करेंगे माइनस कॉस, जितना एंगल होगा उतना लिख देंगे और फिर एक्स के कोएफिशिएंट से क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन ऑफ सॉरी माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। आपको मैंने बताया था कि सी याद करने की जरूरत नहीं है, जब भी इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं होता है, आई मीन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसमें आपको इंटीग्रेशन एक्स के किस वैल्यू के लिए करना है मतलब कहां से कहां तक करना है वो नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं, और कॉन्स्टेंट क्यों ऐड करते हैं वो थोड़े टाइम के बाद मैं आपको नेक्स्ट कभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कॉन्स्टेंट क्यों ऐड करते हैं, है ना, या आप खुद से भी ट्राई करना कि हम कॉन्स्टेंट ऐड क्यों करते हैं, है ना। तो साइन एक्स का हमने देखा, फिर कॉस एक्स का देखा था, है ना, फिर साइन स्क्वायर एक्स का मैंने इंटीग्रेशन बताया था, और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताया था, फिर कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन मैंने होमवर्क दिया था, मैंने बोला था कि इसको आप खुद से ट्राई कर लेना, और फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी का जो इंटीग्रेशन मैंने होमवर्क दिया था, और इससे पहले मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स होगा कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि साइन का पावर वन होगा तभी हम कॉस वाला रिजल्ट लिखते हैं, साइन का पावर क्या होना चाहिए लीनियर, आई मीन साइन जो होना चाहिए उसका पावर ऑलवेज वन होना चाहिए, एंगल कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन साइन का जो पावर होना चाहिए ऑलवेज क्या होना चाहिए वन होना चाहिए, तभी हम साइन का इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे साइन लिखेंगे। अदरवाइज आप यहाँ यदि कोशिश करेंगे पावर फॉर्मूला की, नहीं साइन का पावर क्या होगा थ्री बाई टू आई मीन टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन, तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रहा यदि यही क्या होता टू के जगह वन होता तो हम आसानी से क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉरी डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर। अब अपने को क्या करना है कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन मैंने बताया था, बेसिक ट्रिगो जब पढ़ाया था आप लोगों को तो उसमें बताया था, उसको यूज करके हम क्या करेंगे यदि लीनियर पावर नहीं हो साइन का तो हम लीनियर पावर में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करके और इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है।
तो पहले हम देखते हैं, एक और होमवर्क दिया था कि dx अपॉन क्या होगा x इंटू एक्स प्लस वन। इसको हमने क्या किया, देखो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो हमने क्या किया, इसको मैंने बताया भी था कि आप इस तरह सोचना कि a dx प्लस b dx का इंटीग्रेशन, आई मीन a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो देखो ध्यान से हमने क्या किया, dx अपॉन x इंटू वन प्लस x इक्वल टू हमने क्या लिखा, इंटी वन अपॉन x माइनस क्या होगा वन अपॉन x प्लस वन। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, आपको ये मिल जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या किया, dx से मल्टी, तो देखो dx अपॉन x मैंने बताया था कि वन अपॉन x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ln x होगा। ये भी बताया था कि इसका भी x प्लस वन का, वन अपॉन x प्लस वन का भी इंटीग्रेशन क्या होगा, याद करो मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन x प्लस b का वैल्यू क्या होता है, ln ax प्लस b डिवाइडेड बाई क्या होता है, ये होता है। तो मैंने उसी, अब log of a माइनस क्या है, log of b है, तो हमने क्या किया, log of a अपॉन क्या लिखते हैं, b लिखते हैं। ये log का प्रॉपर्टी होता है, आपको माइंड में होना चाहिए, देखो कि log, आई मीन log m माइनस क्या होगा, log n होगा, तो इसको लिख सकते हैं log of m अपॉन क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। आप लॉग में पढ़ोगे, लॉग तो आप लोग का शुरू हुआ है तो शायद सर बताए भी होंगे या आपको बताएंगे, तो हमने ये रिजल्ट यूज किया है। उसके बाद इसको यहाँ ln c भी लिख सकते हो, c को आप कुछ भी अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस लिख सकते हो। ये क्या हुआ, ln x अपॉन x प्लस वन प्लस c के फाइनल रिजल्ट। अब मैंने ये बताया था कि जब भी इसका रिजल्ट यूज करना, आई मीन इसको सॉल्व करना, देखो तो क्या बताया था कि साइन, देखो ध्यान से, साइन ए स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू, आई मीन मैंने बताया था कि साइन ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई क्या होता है, टू। कॉस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा, वन प्लस कॉस टू एक्स बाई क्या होगा, टू। इसी रिजल्ट का क्या करना है, आपको यूज करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैंने उस समय ही बताया था कि फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, साइन स्क्वायर एक्स को यदि लीनियर पावर में लिखना है तो क्या लिखेंगे, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू लिखेंगे। और मैंने इसके पहले क्लास में मैंने ये बताया था कि ये आता भी कैसे, और फिर बेसिक ट्रिगो जब मैं पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने ये रिजल्ट प्रूव कराया था आपको, ठीक है। अब इसी रिजल्ट को इसको यूज करेंगे, देखो यहाँ क्या है, यहाँ क्या दिया हुआ, अभी सेकेंड नंबर का मुझे क्या है, इंटीग्रेशन क्या दिया, इंटीग्रेशन को हम जनरली आई कंसीडर कर लेते हैं, आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन, है ना। तो क्या होगा, साइन ए स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब देखो यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर एक्स के जगह क्या लिखेंगे, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई क्या लिखेंगे, टू। तो हम ये लिख सकते हैं वन माइनस कॉस ऑफ टू इंटू क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी। देखना क्या है, जितना एंगल दिया हुआ उसमें हम क्या किए हैं, टू से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। क्या हमने किया है कि जितना एंगल है उसमें टू से मल्टीप्लाई है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, टू। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको और भी तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो वन बाई टू क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, हमेशा कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को इंटीग्रेशन साइन से क्या लिखते हैं, बाहर लिखते हैं, तो वन बाई टू, ठीक है, और सॉरी यहाँ डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, वन बाई टू डी एक्स, ठीक है, माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन कॉस ऑफ, इसको क्या लिखेंगे, टू एक्स प्लस टू बी डी एक्स। अब यहाँ कुछ नहीं है तो मैंने ये बताया था कि x रेस टू जीरो लिख सकते हैं, अरे वन तो लिख सकते हैं ना, वन इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। हमेशा याद रखना है कि वन का इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वही वैल्यू होगा, आई मीन वन का इंटीग्रेशन कोई पूछे कि x के रिस्पेक्ट में क्या होगा तो x हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, वन बाई टू, अब अगेन मैंने बताया था वन बाई टू, यहाँ क्या लिखेंगे, x रेस टू जीरो प्लस वन अपॉन वन माइनस वन बाई टू। कॉस का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया है, कॉस का क्या बताया है, साइन, तो क्या लिखेंगे यहाँ, साइन ऑफ क्या लिखेंगे, टू एक्स प्लस बी
और x के कोएफिशिएंट से क्या करना है मुझे, डिवाइड करना है, तो क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो हम क्या लिखेंगे, और प्लस हम क्या करेंगे c, आप c कहीं भी यहाँ ऐड करो, लास्ट में भी ऐड करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो i इक्वल टू क्या होगा, 1/2 x माइनस 1/4 a है ना, साइन क्या होगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 2b और प्लस क्या हो जाएगा c, तो ये क्या हुआ इसका आंसर। उसी तरह सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर ax प्लस b, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर यही है, तो i इक्वल टू हमने मान लिया क्या, आई मीन i इक्वल टू कॉस स्क्वायर ax प्लस b dx। अब अगेन कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई कितना होगा 2, आई मीन कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, तो यहां हम क्या करेंगे अगेन लिखेंगे 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस 2x dx, सॉरी 2 ax प्लस क्या लिखेंगे b और फिर लिखेंगे dx, ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा 1/2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos ऑफ 2x प्लस 2b dx। अब मुझे क्या करना है, ये कितना हो जाएगा 1/2 x प्लस 1/2 अगेन cos का क्या होगा sin होगा, तो हम क्या लिखेंगे sin ऑफ 2x प्लस 2b प्लस c, और 2 के कोएफिशिएंट से आई मीन x के कोएफिशिएंट से क्या करना है मुझे, यहां हमने मिस्टेक कर दिया है ना, 2a होगा, सॉरी 2a होगा, यहां सही लिखा था, ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 2ax और ये क्या हो जाएगा 2x, तो ये कितना हो जाएगा 2a। अब इसको सिंपलीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा, देखो x by 2 plus 1/4a sin of 2ax plus 2b, क्या होगा sin of 2ax plus क्या हुआ b हो 2b हो गया, ठीक है, तो आप आसानी से क्या, अब ये देखो ये ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट याद रखना है, नहीं रिजल्ट याद नहीं रखना है, रिजल्ट केवल sin का इंटीग्रेशन क्या होगा cos का इंटीग्रेशन क्या होगा इसको याद रखना है, और आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल यदि रिलेशन मालूम है तो आप क्या करोगे उसको यूज करके साइन का जो भी पावर दिया हुआ है उसको आप क्या करोगे लीनियर पावर में क्या करोगे कन्वर्ट करोगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम क्या देखेंगे, अब आपसे कोई पूछे कि साइन रेज टू 3 क्या है, साइन क्या है, इंटीग्रेशन किसका कैलकुलेट करना है, देखो ये भी अगला एक एग्जांपल है, क्या है साइन एग्जांपल कंसीडर कर लो है ना, साइन क्यूब एक्स डी एक्स है ना, इसको आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है इसका। अब देखो यहां साइन का पावर क्या है 3 है, अब आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज नहीं कर सकते हैं, अब इसके बाद क्या चाहिए आपको ट्रिगो का क्या होना चाहिए, आपको रिजल्ट मालूम होना चाहिए, यदि ट्रिगो का रिजल्ट आई मीन ट्रिग्नोमेट्री में जो रिजल्ट हम पढ़े हैं क्या है, यदि वो आपको मालूम है तो आप आसानी से क्या, अब साइन का पावर 3 है तो हम इसको लीनियर पावर में कन्वर्ट करेंगे, क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे लीनियर पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस क्या होगा 4 साइन क्यूब थीटा, इसको आप खुद से क्या कर सकते हो प्रूव कर सकते हो, ये बताया था कि साइन ऑफ ए प्लस बी लिखो है ना, ए के जगह यहां क्या करना साइन, आप बताया भी होगा शायद ए प्लस बी यूज करो, क्या होगा साइन ए कॉस बी प्लस क्या होगा कॉस ए साइन क्या होगा बी है ना, और यहां ए इक्वल टू थीटा रख दो और b इक्वल टू क्या करो 2 थीटा रख दो, सिंप्लीफाई करोगे
आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या करना है आपको, यूज करना, इसलिए हम ट्री को पढ़ते हैं। अब क्या है, अब मुझे मालूम है, तो अब देखो यदि ये आपको रिजल्ट मालूम है तो आसानी से क्या हुआ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो लिख सकते हैं साइन 3x इक्वल टू क्या होगा 3 साइन x माइनस क्या होगा 4 साइन क्यूब x, यही होगा। यहां से लिख सकते हैं देखो साइन क्यूब x इक्वल टू क्या होगा 3 साइन ऑफ x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई क्या होगा 4। बस हो गया, अब इसके बाद तो आपको आता ही है सब, ये मालूम है साइन क्यूब x इक्वल टू क्या होगा 3 साइन x माइनस साइन x साइन 3x बाई कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4 होगा। अब क्या करोगे आप, आसानी से अब तो स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करना है, उसके बाद क्या याद रखना है कि साइन का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा कॉस होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस होगा। तो आइए अब देखते हैं ये रहा आपको क्या है बेसिक रिजल्ट जो आपको इसके लिए यूज होना है। अब मुझे किसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, आई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स डी एक्स, क्या है साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अब साइन क्यूब एक्स का वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे साइन, नहीं कितना है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx, तो ये कितना होगा 1/4 है ना इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन x dx माइनस कितना 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। अब आप देखो ये 3 कांस्टेंट है, क्या है 3 कांस्टेंट है, तो 3 को हम इंटीग्रेशन साइन से क्या करेंगे बाहर लिख देंगे, तो 3/4 ठीक है इंटीग्रेशन साइन x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3x dx। यहाँ 3 को बाहर मत लाना है ना, ठीक है एंगल से हम बाहर नहीं ले सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में हो तो हम बाहर ले सकते हैं। अब साइन x का इंटीग्रेशन मैंने बताया क्या है माइनस कॉस x, तो क्या लिखेंगे माइनस 3/4 कॉस x, अगेन क्या लिखेंगे माइनस, देखो यहां क्या लिखोगे माइनस 1/4 उसके बाद क्या लिखेंगे माइनस कॉस 3x अपॉन क्या लिखेंगे 3, यहां x के कोएफिशिएंट से मुझे हमेशा क्या करना है डिवाइड करना है, प्लस हम क्या लिख देंगे यहां से। अब इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3 cos x प्लस cos 3x है ना डिवाइडेड बाय क्या होगा 3, और उसके बाद क्या होगा i इक्वल टू क्या होगा 1/4 प्लस क्या होगा c, ठीक है। तो यही क्या हुआ ए इंटीग्रेशन हो गया, ये क्या हुआ इंटीग्रेशन हो गया। तो आपको क्या करना है ये चीज माइंड में रखना है कि जब भी क्या होगा ट्रिगो का, अब एक होमवर्क देता हूं कि कॉस क्यूब एक्स मैं 4 फॉर्मूला नहीं बताऊंगा है ना, कॉस 3 थीटा का क्या होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 माइनस 3 माइनस कॉस माइनस 3 कॉस थीटा होता है, वो मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद से रिजल्ट लिखना, बता भी दिया क्या है ठीक है, आप इसको खुद से ट्राई करना। तो अगला जो है क्या है, एक होमवर्क देता हूं आप लोग खुद से ट्राई करना, क्या है क्या है आपको क्या करना है इसका वैल्यू निकालना है, क्या है कॉस क्यूब एक्स डीएक्स, ये होमवर्क है ठीक है, इसको आप सॉल्व करना, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्या करूंगा एक्सप्लेन करूंगा ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारे इंटीग्रेशन है ना, उनको भी तो अपने को फाइंड आउट करना है ना। अब देखो क्या होगा sec स्क्वायर x का, देखो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये रिजल्ट है आपको याद रखना है ना, आई मीन क्या होगा sec
स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा टेन एक्स प्लस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन एक्स होगा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन थीटा होगा सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन टी होगा एंगल कुछ भी हो सेक स्क्वायर का क्या सेक का नहीं सेक स्क्वायर का सेक का ऐसा नहीं होता है ना सेक का हम देखेंगे क्या होगा ठीक है उसके बाद आपको क्या याद रखना है ना क्या याद रखना है देखो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस क्या होगा माइनस कॉट एक्स प्लस क्या हो जाएगा क्यों क्योंकि कॉट का कॉट थी कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर क्या होगा एक्स होगा ठीक है तो ये आपको क्या करना है याद रखना अब हम आते हैं क्या है अगला रिजल्ट है ना क्या दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स ठीक है क्या होगा टेन एक्स डी एक्स तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको लॉग आई मीन ln क्या होगा sec x प्लस क्या होगा sec इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं आइए हम देखते हैं इसको कि हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं उसी तरह ये दोनों रिजल्ट मैं बताऊंगा आपको अगला जो है क्या है इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा cot x dx ठीक है क्या है cot x dx क्या है cot x dx तो इसको क्या लिख सकते हैं ln क्या लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं सी एल एन का मतलब क्या हुआ बेस क्या है यहाँ ई है एल एन का मतलब क्या हुआ बेस क्या है ई है यदि बेस टेन दिया हुआ है तो ये रिजल्ट हम यूज नहीं कर सकते हैं पहले मुझे क्या करना पड़ेगा बेस चेंज फार्मूला जो आप लॉग में पढ़ोगे उसको यूज करके क्या करना पड़ेगा मुझे ए बेस ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर तभी हम क्या कर सकते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज ये क्या है अब ये दोनों को हम प्रूफ कर सकते हैं आसानी से देखिए कैसे प्रूफ करेंगे ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आई मीन इसको क्या करना है आपको याद कर जाना है अब क्या है मुझे किसका इंटीग्रेशन निकालना है देखो इसका इंटीग्रेशन किसका कैलकुलेट करना है tan tan x dx इसको शायद हम ऐसे लिख सकते हैं क्या है साइन x अपॉन क्या होगा cos x dx शायद लिख सकते हैं ऐसे अब हम यदि मान लें i इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ लेट क्या मान लें cos x इक्वल टू क्या होगा t तो d ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू dt इक्वल टू d ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा t अब देखो d ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 होता है और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin x उसके बाद मैंने क्या बताया था कि आर्गुमेंट को जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है डिफरेंशिएट करके मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है तो यहाँ क्या लिखेंगे d ऑफ x dt इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं माइनस sin x dx इक्वल टू क्या हुआ dt तो sin x dx इक्वल टू क्या हो गया माइनस dt अब यहां क्या करेंगे वैल्यू रख देंगे अब ये इक्वेशन क्या हुआ फर्स्ट आई मीन इसको इक्वेशन हम क्या अब नाउ हम लिखेंगे नाउ क्या होगा I इज इक्वल टू क्या होगा देखो तो माइनस डी टी अपॉन यही होगा ना और cos x को क्या माने हैं t माने अब ये तो वही हुआ कि 1 अपॉन x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस ln t प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा अब t का वैल्यू रख दो तो क्या लिखोगे I इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ln cos x प्लस c और इसको सिंप्लीफाई करो तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ln sec x प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है ln क्या होता है sec x होता है क्या होता है ln sec x इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होगा log टू द बेस आई मीन क्या होगा ln sec x क्या होगा ln sec x सिमिलरली
हम क्या कर सकते हैं, और भी रिजल्ट हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। देखो जैसे दिया हुआ है कॉर्टेक्स, क्या दिया हुआ है कॉर्टेक्स, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखने रहते हैं, है ना। क्या दिया हुआ है अगला जो है, क्या दिया हुआ है, आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। तो कॉट एक्स को अगेन क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन क्या लिखेंगे, साइन एक्स डी एक्स। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन वन मान लिया। लेट क्या लिखेंगे, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, अब क्या लिखेंगे, डी ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू डी ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, अगेन एक्स को टी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते, क्या होगा, डी एक्स अपॉन क्या होगा, डी टी इक्वल टू वन। तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हुआ, डी टी। अब देखो कॉस एक्स डी एक्स के जगह हम क्या रख देंगे, डी टी रख देंगे। तो अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, टी। अब डी टी अपॉन टी का वैल्यू रखो तो ये डी टी अपॉन टी, आई मीन वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन टी होगा, क्या होगा, एल एन टी होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एल एन टी प्लस क्या होगा, सी। और टी हमने क्या माना है, साइन एक्स, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एल एन साइन क्या होगा, साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, कॉट एक्स क्या होता है, एल एन साइन एक्स होता है, क्या होता है, एल एन साइन ऑफ एक्स होता है। ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। इसके बाद और भी क्या है, कुछ रिजल्ट है जो हम देखेंगे। अब आपसे कभी पूछा जाए, देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फिजिक्स में ट्रिगो आता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है, इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ आपको। एक एक एग्जांपल जितने भी टाइप्स हैं सभी मैं बता रहा हूँ कि जो भी फिजिक्स में यूज होने वाला है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप प्रैक्टिस करो, इसको अच्छे से करो, जो समझ में नहीं आया उसको पूछो, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ट्रिगो और ग्राफ ये फोर चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स को समझने के लिए, है ना। यदि आपको ये आता है अच्छे से तो फिजिक्स आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए हम बेसिक्स मैथ्स पढ़ रहे हैं, इसका नाम ही क्या है, बेसिक्स मैथ्स फॉर फिजिक्स। आप जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें सब चीज़ बताया जाएगा, है ना। लेकिन ये बेसिक्स फिजिक्स को समझने के लिए जो मैथ्स का ज़रूरी है वही हम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसको आपको क्या करना है, कई बार मैंने बताया भी है कि आप क्या करो, एक नोटबुक केवल बेसिक्स मैथ्स का बनाओ और उसमें क्या करो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखो और उसको रिविजन करते रहो। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स क्या होंगे, याद रहेंगे। तो जब भी कभी भी आपके सामने इस टाइप का यदि इंटीग्रेशन आएगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसका आंसर बता सकते हो। और जैसे ही आप आंसर बताओगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा बहुत ही अच्छा होगा, है ना। इसके बाद क्या पढ़ने हैं अपने को, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना, क्या होगा सेक एक्स का इंटीग्रेशन, आपसे कोई पूछे तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, है ना। क्या है सेक एक्स का इंटीग्रेशन, तो देखो इसको हम कई तरह से सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, इसको ऐसे शायद हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्या sec x को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटू क्या लिख सकते हैं, cos, है ना, क्या लिख सकते हैं, cos x, कोई डाउट नहीं है उसमें, cos x हम लिख सकते हैं। और उसके बाद cos x को कुछ और कंसीडर कर सकते हैं क्या, cos x को और तरह से हम कुछ सोच सकते हैं क्या, ऐसे दूसरा भी मेथड है, ऐसा नहीं है, हम सोच रहे हैं कि cos x को भी हम किसी, यदि हम लिख दें sin, क्या लिखते हैं उसको, साइन ऑफ, तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। यदि cos x को हम क्या करें, दूसरी तरह से सोचें तो
क्या हम ऐसा सोच सकते हैं क्या कि cos x को यदि हम लिख दें कितना साइन ऑफ नहीं 1 प्लस cos x होता तो हम सोच सकते थे है ना, लेकिन 1 प्लस नहीं है तो देखो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है इसका, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो शायद हम इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं है ना, और tan में कन्वर्ट करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्या है, ये आसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि आसान है, इसको कई तरह से एक स्टेप से ऐसे भी सोच सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर अब क्या होगा x बाई 2, ठीक है, ये क्या होगा cos थीटा का tan में क्या होता है रिजल्ट होता है, आपको शायद मैं बता दूं ये रिजल्ट कहां से आता है, देखो cos है ना x, आई मीन cos 2x इक्वल टू क्या होगा cos स्क्वायर x माइनस क्या होगा sin स्क्वायर x अपॉन 1, 1 के जगह क्या लिखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और फिर tan में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x बाय 2 है ना dx अपॉन क्या लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय क्या लिखेंगे 2। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, तो ये कितना होगा sec स्क्वायर x बाय 2 dx डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहां क्या लिखेंगे कि लेट क्या लिखेंगे लेट, यदि tan x को हम t मान लें, क्या मान लें tan x को t मान लें, देखो क्या है हमेशा याद रखना है, यदि क्या होगा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, यदि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा ln ऑफ डिनोमिनेटर, बाद में मैं बताता हूं तुमको है ना, देखो मैं बता रहा हूं कि क्या होगा, जैसे इसको पहले मैं बताऊंगा इसको एक्सप्लेन करूंगा और फिर आपको रिजल्ट बताऊंगा कि इसको ऐसे आप याद रखो, ठीक है। जैसे देखो तो हमने मान लिया कि लेट क्या लेट tan tan x by 2 इक्वल टू हमने क्या मान लिया t मान लिया, अब दोनों तरफ क्या करो tan x by 2 dx dt इक्वल टू क्या है दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, तो पहले क्या लिखेंगे sec स्क्वायर ऑफ x by 2 और x के कोएफिशिएंट से हमेशा क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या लिखेंगे 1 by 2 और dx upon dt into इक्वल टू क्या लिखेंगे 1, तो देखना sec स्क्वायर x by 2 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको यहां वैल्यू रख देना है, नाउ हम क्या लिखेंगे i इज इक्वल टू क्या होगा sec स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2 dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, तो dt अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर, देखो तो क्योंकि tan x by 2 को हमने क्या माना है tan x by 2 इक्वल टू क्या कंसीडर किया हमने t कंसीडर किया है, अब हम लिख सकते हैं इसको देखो dt अपॉन क्या करना है 1 माइनस t इंटू क्या लिखेंगे 1 प्लस t, 1 माइनस t इंटू क्या लिखेंगे 1 प्लस हम क्या लिखेंगे t लिखेंगे। उसके बाद और भी हम एक स्टेप आगे जा सकते हैं, अब आपको ध्यान देना है, देखो शायद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब इसको ये दोनों टर्म को हम सम में लिखने के लिए ट्राई करेंगे सम में, आई मीन ये क्या आ जाए a dx प्लस b dx के फॉर्म में आ जाए, आई मीन a प्लस b इंटू dt या dx जो भी है dt के फॉर्म में आ जाए, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे देखो तो ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन 1 प्लस t 1 प्लस t माइनस 1 माइनस क्या होगा t सॉरी प्लस 1 माइनस t dt, देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मालूम चल जाएगा, तो
क्या होगा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, ऐसे भी इसका जो इंटीग्रेशन आएगा क्या आएगा, लॉग ऑफ क्या होगा सेक, क्या होगा लॉग ऑफ सेक एक्स बाई टू प्लस क्या होगा टेन एक्स बाई टू, ऐसे आएगा। देखो अब हम क्या लिख सकते हैं, यहां आसानी से लिख सकते हैं I इज इक्वल टू क्या होगा, या एक ऐसे भी आता है कि log tan of pi by 4 plus x by 2 आएगा। देखो तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या लिखेंगे, I इक्वल टू क्या लिखेंगे dt अपॉन क्या लिखेंगे 1 plus t plus dt अपॉन क्या लिखेंगे 1 minus t। अब तो इसको ये कितना होगा, a 1 अपॉन 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा ln 1 प्लस टी, तो क्या लिखेंगे ln 1 प्लस टी। उसके बाद इसका क्या लिखेंगे, देखो पहले यहाँ t के कोएफिशिएंट से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो t का कोएफिशिएंट क्या है माइनस वन है, तो अगेन क्या लिखेंगे ln 1 माइनस क्या हो जाएगा t प्लस क्या हो जाएगा c। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा ln क्या हो जाएगा 1 प्लस टी अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस टी है ना प्लस सी। अब t हमने किसको माना है tan x by 2 को, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे वैल्यू कर देंगे, तो i इक्वल टू क्या होगा ln है ना 1 प्लस tan x by 2 अपॉन क्या होगा 1 माइनस tan x by 2 प्लस क्या हो जाएगा c। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln है ना, देखो इसको क्या लिखेंगे tan ऑफ 45 डिग्री आई मीन पाई बाई 4 प्लस tan ऑफ x बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 माइनस tan ऑफ पाई बाई 4 इंटू tan ऑफ क्या हो जाएगा x बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा। देखो tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। अब देखो तो tan ऑफ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a टू tan b आया क्या, तो हम लिख सकते हैं यहाँ डायरेक्ट ln क्या लिखेंगे ln tan ऑफ है ना पाई बाई 4 प्लस क्या हो जाएगा x बाई 2 इसका रिजल्ट आता है ln tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस क्या आता है x बाई 2 इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा ln tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई क्या होगा 2 होगा। तो आप इसको क्या करेंगे याद कर जाएंगे, ठीक है इधर मैं लिख देता हूँ इसको क्या करना है आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट के लिए, क्योंकि हर टाइम हम इतने मेथड यूज नहीं करेंगे, जस्ट मैंने बताया कि ये कैसे आता है। इसका दूसरा भी एक अल्टरनेटिव मेथड है, आई मीन अल्टरनेटिव रिजल्ट है, क्या होगा तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा ln है ना tan ऑफ क्या होगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई कितना होगा 2 tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस। आप इसको ये भी लिख सकते थे साइन ऑफ, देखो दूसरी तरह से कैसे लिखोगे इसको, यहां से हम देखें यहां से है ना, तो क्या लिख सकते हैं दूसरा रिजल्ट हम लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू, देखो आई इज इक्वल टू यहां से मैं लिख रहा हूं है ना, तो हम क्या लिखेंगे आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं ln, इसको क्या लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन क्या लिखेंगे कॉस एक्स आई मीन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट लिख रहा हूं देखो कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस क्या होगा साइन ऑफ एक्स बाई टू अपॉन क्या होगा कॉस ऑफ एक्स बाई टू है ना प्लस साइन ऑफ क्या होगा सॉरी माइनस साइन ऑफ एक्स बाई क्या होगा टू। अब आपको क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ln क्या लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो आई मीन इसका कंजुगेट आई मीन रेशनलाइज करो तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ x by 2 cos of x by 2 plus sin of x by 2 का होल स्क्वायर माइनस cos of x by 2 माइनस क्या होगा sin of x by 2 into
कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस क्या होगा साइन ऑफ एक्स बाई टू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा, दोनों रिजल्ट मैं लिख देता हूँ। तो ये क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एल एन, इसको लिख सकते हैं वन प्लस, देखो इसको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होगा वन होगा, तो लिख देता हूँ इधर वन प्लस कितना होगा वन प्लस टू साइन एक्स बाई टू इंटू क्या होगा कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल एन वन प्लस, इसको साइन एक्स लिख सकते हैं वन प्लस साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल एन क्या होगा सीक एक्स प्लस क्या होगा टैन एक्स। तो यहाँ आपको दो रिजल्ट इसका पूछा जाए, कभी कभी यूज कर सकते हैं हम दो रिजल्ट। तो यहाँ अगला जो रिजल्ट है क्या है, देखो दो रिजल्ट सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक तो एल एन टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस क्या हो जाएगा एक्स बाई टू, और एक जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा एल एन है ना वन एल एन सेक एक्स प्लस क्या होगा टेन एक्स। ये रिजल्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप केवल ये याद रखना रिजल्ट याद रखना, क्या है रिजल्ट याद रखना। सिमिलरली आपसे कोई पूछे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसको आप ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये होमवर्क कंसीडर कर लो है ना, होमवर्क क्या होगा कोसेक एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो इसको सॉल्व करना और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे पढ़ेंगे। ओके थैंक यू।